हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मौसम जबरदस्त हो चुका है, हल्की हल्की सर्दी आ चुकी है और आप सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस मौसम के लिहाज से हम एक बहुत ही जबरदस्त नगीना या हिडन जेम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और जो परफ्यूम मैं इस वीडियो में रिव्यू करूंगा, दिस इज अ वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ही एक इकोनॉमिकल, एक बड़ा मुनासिब कीमत पे अवेलेबल परफ्यूम है फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टोबैको मिथ की। और ये परफ्यूम क्लोन कह लें या इसको आप अल्टरनेटिव कह लें, कैरोलिना हरेरा के मिस्ट्री टोबैको का ये एक अल्टरनेटिव है। कैरोलिना हरेरा बहुत ही महंगा परफ्यूम है, आई लव दैट परफ्यूम, लेकिन उसकी जो प्राइस है यहाँ पे यूएई में वो 900 से 1000 दिरहम के आसपास है, विच इज टू मच। और यहाँ पर इस परफ्यूम की प्राइस बहुत कम है, इट्स रियली इन द फ्रैक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और फिर बाद में बात करेंगे इनकी सिमिलैरिटीज की और बाकी चीजों पे भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलते हैं आपको इस बॉक्स में और ये बॉक्स बहुत सिमिलर है ओरिजिनल जो मिस्ट्री टोबैको कैरोलिना हरेरा का है उसके बॉक्स के, ऑलमोस्ट सेम डिजाइन है। यहाँ फ्रंट आपको नाम मिलता है परफ्यूम का टोबैको मिथ, साइड्स पे कुछ नहीं है, टॉप पे आपको लोगो मिलेगा फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का और ये उनकी एक्सक्लूसिव सीरीज में से है। बैक पे कुछ आपको इंग्रीडियंट की डिटेल्स मिलती हैं, लोगो मिलता है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का और फिर बॉटम में भी कुछ नहीं है। और बोतल बहुत खूबसूरत है और एक दफा फिर टिट्टो कॉपी की है ओरिजिनल बोतल की मिस्ट्री टोबैको की। एंड हियर यू गो, तो आपको ये परफ्यूम मिलता है इस खूबसूरत बोतल में, बैरल शेप बोतल है, कटेड साइड्स के साथ। फ्रंट पे यहाँ आपको स्टिकर मिलता है, मेटेलिक स्टिकर है ब्लैक कलर का जिसमें गोल्डन में नाम लिखा है परफ्यूम का टोबैको मिथ। और फिर यहाँ पे आपको बॉटम में बहुत ही खूबसूरत गोल्डन मेटेलिक टाइप का यहाँ पे आपको इसकी एक बेस मिलती है। कैप की अगर बात करूँ तो बहुत खूबसूरत कैप है, कैप के टॉप पे आपको लोगो मिलता है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का। कैप जब आप पकड़ेंगे तो आपको इतनी कोई प्रीमियम फील नहीं देगा क्योंकि हल्का है, लेकिन इसके जो एजेस हैं बहुत स्मूथ हैं, फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। और अगर एटोमाइजर की बात करें तो लेट मी शो यू द एटोमाइजर एंड हियर वी गो। एटोमाइजर बहुत जबरदस्त नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, स्मूथ नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है, बट स्टिल इट्स ओके। और खुशबू इज आउट क्लास क्योंकि मुझे ओरिजिनल मिस्ट्री टोबैको बहुत पसंद है और टोबैको इज वन ऑफ माई फेवरेट नोट्स। मेरे जो पसंदीदा नोट्स हैं उनमें से ऊद, लेदर एंड टोबैको इज वन ऑफ देम। उसके अलावा और बहुत से नोट्स हैं लेकिन आई लव टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस। तो यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत खुशबू। चलिए स्टार्ट करते हैं अब खुशबू का रिव्यू। ये प्रेजेंटेशन हो गई तो खुशबू के लिए सबसे पहले नोट्स ब्रेक डाउन। तो नोट्स ब्रेक डाउन आपको ओरिजिनल परफ्यूम के दूंगा मिस्ट्री टोबैको के। तो यहाँ पे टॉप पे मिलता है आपको जिंजर, ऑस्मेंथस, सिट्रसिस, आर्टिमिशिया। मिडल में टोबैको पचूली, गायकवुड और वेटिवर और फिर बेस में टोंका बीन्स। तो ये था नोट्स ब्रेकडाउन और अब हम देखेंगे कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो अगर इस परफ्यूम की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ओपनिंग में सबसे पहले डेफिनेटली मिलता है स्ट्रॉन्ग नोट टोबैको का। और टोबैको यहाँ पे जो है वो स्वीट नहीं है। नॉर्मली जब भी टोबैको का नोट किसी परफ्यूम में यूज करते हैं तो ज्यादातर उसको उसके साथ कुछ ना कुछ स्वीट नोट यूज करते हैं, ज्यादातर हनी का नोट या इस तरह के रोज बहुत जैमी थिक गुलकंद टाइप जो रोज होता है उसको यूज करते हैं तो उस टोबैको को मीठा बनाने के लिए। यहाँ बहुत सारा स्वीट एम्बर डालते हैं उसके अंदर। यहाँ पे द गुड थिंग इज कि थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दिया है, थोड़ा सा इसको टोबैको को एक अलग तरीके से यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको हनी का नोट भी नहीं मिलता और यहाँ पे आपको एक वो जैमी थिक स्वीट रोजेज या उस तरह के नोट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते। दिस इज प्योर वेट टोबैको, जैसे आपने फ्रेश टोबैको के लीव्स तोड़े हों, उनको मसला हो, तो टोबैको और उसके साथ बैंग ऑन पचूली। ये मेनली ये परफ्यूम जो है इट्स ऑल अबाउट टोबैको और पचूली। और स्टार्ट में आपको थोड़ा सा ये इसमें स्वीटनेस मिलती है, बेस में इसके टोंका बीन है। टोंका बीन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन टोंका इसको कुछ वनीला टाइप के स्वीट स्वीटनेस भी देता है और उसके साथ साथ इसके अंदर एक बेल्सेमिक टाइप का एक रेजिनस टाइप की आपको इस परफ्यूम में फील भी मिलती है। तो ये थी इसकी ओपनिंग और अगले 5 से 10 मिनट में स्वीटनेस तकरीबन फेड हो जाती है और आप बचते हैं प्योर
टोबैको और पचुली के कॉम्बो के साथ। पचुली यहाँ पे बड़ी ब्लंट सी और बड़ी एक यू कैन से कि पाउट्री टाइप सी है, इट्स नॉट पाउट्री बट इट्स ब्लंट, बड़ी एक फ्लैट सी है। इट्स नॉट स्मोकी, इट्स नॉट अर्थी, लेकिन वो भी एक आपको हल्की सी ड्राई फील देती है। और फिर उसके बाद अपने फाइनल राइड ऑन में ये मजीद खूबसूरत हो जाता है और टोबैको जो है वो थोड़ा सा और स्मूथ हो जाता है। अगर इस परफ्यूम की मैं क्वालिटी की बात करूं तो जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो बहुत स्मूथ है, हार्श अजीज नहीं है, ब्लेंडिंग वगैरह मटेरियल इस परफ्यूम का बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर जो हम इसके पैसे पे कर रहे हैं उस हिसाब से वैल्यू आपको मिलती है, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी टाइप सेंट। उसके अलावा आपको इसमें कोई ऐसा और मजीद कोई खास किस्म का नोट मिलता नहीं है, हालांकि गायकवुड और वेटिवर वगैरह इसके ब्रेकडाउन में है, नोट ब्रेकडाउन में है। और बट यहाँ पे इस परफ्यूम में आपको इतना ज्यादा कोई वुडी बेस वगैरह मिलती नहीं है, सिर्फ मेनली आपको यहाँ पे टोबैको ही मिलता है। अगर इसको कंपेयर करें टोबैको मिथ को ओरिजिनल मिस्ट्री टोबैको के साथ, तो मिस्ट्री टोबैको डेफिनेटली एक बेटर सेंट है। और उसमें फर्क ये है कि अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो ये 100% सिमिलर नहीं है, 90% भी नहीं है, यू कैन से कि समथिंग अराउंड 75-80% क्लोज है। डेप्थ वाइज सेंट प्रोफाइल बहुत मिलता जुलता है, अगर आपने एक दफा इसको सूंघ लिया, इसको आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो ये आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मिस्ट्री टोबैको कैसा स्मेल करता है। आप उसको कल को पहचान सकेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि यार ये किस तरह की खुशबू है। लेकिन यहाँ पे जो चीज थोड़ी लैक करती है वो है इस परफ्यूम की डेप्थ। मिस्ट्री टोबैको की डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा है, वहां पे आपको ऑस्मेंथस का बड़ा प्यारा नोट मिलता है। ऑस्मेंथस आपको एक जैसे वो ड्राइड फ्रूट खुबानी और पीच या जो ड्राइड खुबानी टाइप की आपको उसके अंदर से ऑस्मेंथस आपको स्मेल देता है फ्लोरल फील के साथ, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे आपको ऑस्मेंथस वगैरह और वो चीजें यहाँ पे आपको नहीं मिलती, लेकिन अदरवाइज अगर आपको टोबैको का नोट पसंद है, टोबैको बेस्ड आपको सेंट पसंद है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये था इनका फर्क इसका और ओरिजिनल मिस्ट्री टोबैको का। इट्स ऑल अबाउट डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी का, सेंट प्रोफाइल काफ़ी सिमिलर है और प्राइस में बहुत ह्यूज फर्क है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि ओरिजिनल की प्राइस 900 से 1000 के आसपास है, यहाँ पे प्राइस बहुत कम है, जो कि हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज 7 से 8 घंटे की एक आपको डिसेंट लॉन्जिविटी देता है। सॉलिड परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो जस्ट बी ऑन द सेफ साइड 4 घंटे पकड़ के चलें, 4 घंटे बाद आप रिफ्रेश कर सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है, इट्स वेरी इकोनॉमिकल, तो आप इसको रिस्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके जेंडर की, तो आई थिंक ये एक ऐसा परफ्यूम है जो जेंट्स पे सूट करेगा। कोई लेडी मेरे ख्याल से ऐसा स्मेल करना नहीं चाहिए कि लोग उसके पास से गुजर के ये सोचे शायद इसने अभी भी सिगार पिया है। तो मर्दाना सेंट है और जेंट्स पे सूट करेगा। एज की बात करूँ तो एक दफा फिर 26-27 ईयर्स के आसपास की अगर आपकी एज है तो आप इसको यूज करें। 22-23 साल के भी अगर आप हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 27-28 ईयर की एज वाले जो बंदे हैं उन पर ये बड़ा जबरदस्त, उनको अच्छे एक्सपीरियंस इससे मिलेगा। मौसम की बात करूँ तो इट्स अ विंटर सेंट, ये सर्दी के मौसम में लगाएं अनलेस अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। और ओकेजन की बात करूँ तो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह आप नहीं लगा सकते। नॉर्मली अगर आप कैसीनो जाते हैं, पब्स जाते हैं, या आप कोई ऐसा दोस्तों में बैठते हैं जहाँ स्मोकिंग वगैरह चलती है, कार्ड्स खेलते हैं आप, या आप सर्दी में बाइक्स राइड करते हैं, या शाम को अगर आप वॉक करने निकले हैं, आप किसी ठंडी जगह पर रहते हैं, मौसम प्यारा है, बारिश वगैरह है, तो उस तरह के वेदर में ये चल जाएगा। ऑफिस वगैरह में भी चल सकता है स्प्रे कंट्रोल करके, लेकिन वंस यू विल स्मेल इट आप खुद समझ जाएंगे कि आपको इसे किस जगह पे लगाना है। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में और बात है असल मुद्दे पे जो है इसकी प्राइस। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है 100 ml क्वांटिटी में विद ओ दे परफ्यूम कंसेंट्रेशन के साथ। और यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, क्योंकि मैं टू बी वेरी फेयर भूल चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 50 dirham के नीचे नीचे ही थी, तो आई थिंक 40-45 के आसपास रही होगी। आप लोग फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वालों से इनके पेज पे या इनके नंबर पे, मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पता कर सकते हैं एक्चुअल प्राइसेस की क्या है, लेकिन 50 dirham से नीचे नीचे है। तो कहाँ ओरिजिनल 900 और 1000 dirham के आसपास है, विच इज अराउंड $350 के आसपास। ऑन द अदर हैंड इट्स लाइक $20 के आसपास में आपको 100 ml जूस मिल जाता है। यस,
वैसी डेप्थ नहीं है, बट क्वालिटी इज गुड, क्वालिटी यहाँ बिल्कुल बुरी नहीं है। सेंट प्रोफाइल बहुत सिमिलर है और डेप्थ थोड़ी लैक करती है एज कंपेयर टू ओरिजिनल, बट वट यू आर पेइंग हेयर इज नथिंग। और ये वैल्यू फॉर मनी टाइप सेंट है, ब्लाइंड बाय मत करें, अनलेस कि अगर आपको टोबैको के नोट पसंद है, आपको टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स पसंद है, तभी ब्लाइंड बाय करें, अदरवाइज आप इसको चेक कर लें, बल्कि आप चेक करके ही लें, कोशिश करें आपको कहीं से डिकेंट मिल जाए, या अगर आप इसको इनकी शॉप पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो चेक करें और फिर ही बाय करें। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट टोबैको मिथ, एक बहुत ही खूबसूरत सेंट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, ये उनकी एक्सक्लूसिव लाइन में से है। उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया होगा, और अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।